नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक पटेल और आप लोगों ने री एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पर अब तक कुल 4 टेस्ट दे चुके हैं और आज हम चौथे टेस्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 60% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर आता है कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का और उसके बाद बारी आती है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक, इसे याद रखिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में पाई जाती है। खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जीवा के बगल में पाई जाती हैं। ठीक है, बगल में पाई जाती हैं। जो मीठा होता है वो अगले भाग से पता चलता है और जो तीखा होता है वो पिछले भाग से पता चलता है। ठीक है, ये हो गया। और खट्टा स्वाद किससे? बगल वाली कोशिकाओं से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि ज़्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ से कैंसर जनक होते, मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा जो तला हुआ खाद्य पदार्थ होता है उससे खाने से कैंसर होता है, क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की और ज़्यादातर उसमें कौन सी वसा होती है? ट्रांस फैट होती है। ठीक है, उसमें ट्रांस फैट की ज़्यादा मात्रा होती है, ट्रांस फैट, इसकी वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। ये बेंजापायरिन बनाता है, ये इस वजह से होता है क्या? कैंसर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि एंजाइम एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, एंजाइम, पहली बात क्या है कि एंजाइम क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, एंजाइम क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ, इसे याद रख लीजिए। इसमें प्रमुख रूप से प्रोटीन होता है, मतलब ये क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? प्रमुख रूप से प्रोटीन होता है। दूसरा प्रश्न आपका हो गया, लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो एक मिनट, लाल चने में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डायस्टेज। ठीक है, लाल चने में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डायस्टेज। पहली बात, प्रोटीन एंजाइम क्या होता है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रोटीन का बना होता है। दो क्वेश्चन आप यहाँ पर याद रखिएगा। और तीसरा कि लाल जो चना होता है उसमें डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न से आपके तीन प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। ठीक, इसका कारण है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से अपना आकार बदलता है, क्योंकि जो हमारा एचआईवी होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से अपने आप को डीएनए में बदल देता है और फिर रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इस प्रकार अपना आकार वो बदलता रहता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि वह प्रोटीन जिससे नख, मतलब हमारे नाखून, खुर, जिससे नख, खुर और सींग बने होते हैं। ठीक है, जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है, जिसकी वजह से त्वचा जो हमारी होती है उसके अंदर जल नहीं जा पाता, लेकिन त्वचा से जल अंदर से बाहर आ जाता है। ठीक है, जितनी हमारे जो पसीने निकलते हैं वो क्या करता है? त्वचा से बाहर आ जाता है। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप तालाब में तैरने गए, जल आपके अंदर त्वचा के माध्यम से चला गया, ऐसा नहीं होता। वो किस वजह से होता है? एक प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, अभेद बनाता है, जिसे रेशेदार प्रोटीन भी कहा जाता है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? ठीक है, वह उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो उस प्रोटीन का नाम आपका है केराटिन। ठीक है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? केराटिन। तो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नख, खुर और सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका उत्तर जाए केराटिन प्रोटीन। ठीक है, यह पूछा जाए कि वह प्रोटीन कौन सा होता है कि जो जल को शरीर में जाने से रोकता है, त्वचा में पाया जाता है, जल को शरीर में जाने से रोकता है, तो केराटिन प्रोटीन। किसको रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है? केराटिन प्रोटीन। इस प्रकार आपके तीन प्रश्न हल हो गए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप टेस्ट दे चुके हों तो टेस्ट देने के बाद आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि इसको यहाँ देना उचित नहीं, एक्सप्लेनेशन में बता देना ज़्यादा उचित है, तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप जब एक्सप्लेनेशन देखने आएंगे तब ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, क्रिएटिन कहते हैं। और उसी प्रकार कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? कोलेजन क्या होता है? एक कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब ये कनेक्टिंग प्रोटीन होता है, संयोजी ऊतक का मुख्य प्रोटीन होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में कोलेजन सबसे ज़्यादा मात्रा में, कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में
पाया जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन हमारे रक्त में या अंडे में पाया जाता है, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन हमारे रक्त और अंडों में पाया जाता है, ठीक है। तो और इसके साथ और बाकी काइटिन क्या है? काइटिन प्रोटीन ही नहीं है, ठीक है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है, ठीक है। कई जो कोशिका भित्त होती है, सेलवाल होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, हमारा अगला प्रश्न है कि यकृत जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है। पहला काम ये समझ लीजिए, यकृत क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, कि जब उसको ग्लूकोज को स्टोर करना होता है अथवा आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के रक्त में प्रवाहित कर देता है। ये दोनों काम किसका? यकृत का। वह किसका भरपूर स्रोत है, मतलब उसके अंदर और क्या पाया जाता है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो भी यकृत में पाए जाते हैं, ठीक है। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं यकृत में पाए जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यकृत जो होता है किसी प्रकार के पाचक एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता, ठीक है। किसी प्रकार के पाचक एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता, इसको हम आगे भी देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथि जो यूरिया तथा पित्त का संश्लेषण करती है, ठीक है। अभी इससे पहले हमने यकृत के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा याद रखिएगा, यकृत क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, उसके बाद स्टोर कर लेता है। जरूरत पड़ती ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, और क्या नाम है, जैसे जब हम उपवास रखते हैं तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के ब्लड में डाल देता है, और उसके वह अपने अंदर वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, उनको भी अपने अंदर समाहित किया रहता है। जैसे BOC क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। ADEK क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो ADEK है, मतलब ये विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनको क्या करता है? स्टोर करके रखता है, ठीक है। और क्या करता है यकृत? यह यूरिया और पित्त का संश्लेषण करता है, ठीक है। पहली बात क्या है? वह ग्रंथ जो यूरिया और पित्त का संश्लेषण करता है, ठीक। तो यही यकृत का काम है, ठीक है। पित्त का संश्लेषण करता है, पित्त का बनना, संश्लेषण होना वो यकृत में होता है, स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। पित्त बनता यकृत में है, स्टोर होता है कहाँ? पित्ताशय में, ठीक है। जिसमें कापर धातु की विषाक्तता, अगर कापर धातु की विषाक्तता हो जाए तो उसमें सिरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। उस ग्रंथ का क्या नाम है? पूछ रहा है कि उस ग्रंथ का क्या नाम है जो यूरिया बनाता है, पित्त बनाता है, अगर कापर की अधिकता हो गई, विषाक्तता हो गई, तो सिरोसिस रोग हो जाता है। यह हमारा होता है यकृत में, ठीक है। ये सब काम कहाँ होता है? यकृत में। यकृत बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। 14 वर्ष की आयु तक के लिए बच्चों को जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपका प्रोटीन, ठीक है। वो क्या है हमारा? प्रोटीन। अगर हम जानना चाहें कि शरीर को ऊर्जा किससे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, शरीर को ऊर्जा जो मिलती है सबसे ज़्यादा, वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से जो होता है ऊर्जा, हमारे शरीर की जितनी ऊर्जा होती है उसके 50 से 80%, ठीक है। एक्चुअली मोबाइल पे उंगली से लिखना आसान नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा लिखता नहीं, क्योंकि बनता नहीं लिखते, ठीक है। 50 से 80% शरीर की जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो जाती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है शरीर को, यह शरीर को 15 से 30% ऊर्जा देती है, लेकिन प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलती है वो 10 से 15% के आसपास मिलती है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती ज़्यादा, लेकिन यह क्या करता है? यह सेल फॉर्मेशन में, ऊतक फॉर्मेशन में भाग लेता है। इसलिए जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है? ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। अगर ग्रोथ ज़्यादा करना है तो मतलब सेल फॉर्मेशन करना है, तो सेल फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोन डी पीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ठीक है। आप वसा भी ले सकते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि अगर वसा और कार्बोहाइड्रेट की बराबर मात्रा हो, मतलब मान लो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, 100 ग्राम वसा हो, तो किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। वसा जो होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा देती है, लेकिन हम अपने भोजन में वसा का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। हम 1 चम्मच 2 चम्मच घी लेते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब मान चलिए पूरी थाली भर के चावल खाते हैं, तो चावल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, फैट हम कम मात्रा में लेते हैं। इसलिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर दोनों बराबर मात्रा है तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। विटामिन तथा खनिज लवण जो है इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती।
लेकिन शरीर का जो उचित विकास करना है, ठीक है, शरीर का जो उचित विकास और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना है तो आपको विटामिन और खनिज लवण लेना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है तथा पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। सबसे पहले यह है कि प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन को बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आपने कक्षा 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जहां वे उगते हैं वहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो क्या करते हैं, अपने पत्ती को ट्रैप बना लेते हैं, उसमें कीड़ों को फंसा लेते हैं, ठीक है, और कीड़ों को मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो वे पादप क्या कहलाते हैं, जैसे सैंड्यूस था, ठीक है, ये क्या करते हैं कि कीड़ों को मार के नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, उससे अपना प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे उगते हैं वहाँ प्रोटीन की, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता, ठीक है। तब पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है, उसमें सबसे अच्छा प्रोटीन मछली की प्रोटीन होती है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड विद्यमान होते हैं, क्योंकि उसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड विद्यमान होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए, जिससे धीरे धीरे चैनल भी ग्रो करे, हम आपके लिए और भी लोगों को जोड़ सके इस चैनल में, ठीक है, क्योंकि और लोगों को जोड़ने के लिए उनको वेतन देना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी कमाई भी होनी चाहिए चैनल से। तो जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे हम दूसरे लोगों को लाएंगे यहाँ पे एक बड़ा चैनल, और आपकी सुविधा के लिए अच्छे टीचर को लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों आप शेयर करते रहिए, हम आपकी सेवा के लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें लार का लाभ नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, यह भोजन को निगलने में मदद करता है, जी हाँ, बिना लार के भोजन को निगलना बड़ा कठिन है, ठीक है। या शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, नहीं, आरबीसी की वृद्धि लार से नहीं होती, ठीक है, आरबीसी हमारी बनती है कहाँ, बोन मैरो में। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, हाँ ये बात सही है कि लार के द्वारा मुख और दांत हमारे साफ रहते हैं। या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है, ये भी बात सही है, क्योंकि लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम होता है कि अगर जो भी खाने में बैक्टीरिया आ गए उनको मार देना, इतना काम होता है लाइसोजाइम का। जो टाइलिन होता है या सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं जिसे, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और हमारे मुख में 30% के आसपास कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है, हमारे मुख में हो जाता है। तो शरीर में आरबीसी की वृद्धि करना इसका काम नहीं, ये बोन मैरो का काम है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भाग पाचक एवं श्वसन नलिया क्रॉस करती है, मतलब पूछ रहा है कि किस भाग में पाचन और श्वसन नलिया क्रॉस करती है, ये करती है ग्रसनी में, ठीक है। जब हम भोजन को निगलते हैं, ठीक है, निगलते समय आपने ध्यान दिया होगा, एक समय आपकी सांस रुक जाती है, उस समय भोजन जिस स्थान पे होता है वो होता ग्रसनी, क्योंकि वहाँ पे श्वास नली और ग्रस जो हमारा ओएसोफेगस है, मतलब दोनों मिलते हैं। यदि उस समय हम सांस लेंगे तो श्वास नली भी खुल जाएगी, तो भोजन श्वास नली में जाने की खतरा रहता है। तो इस समय जिस समय हम भोजन को निगल रहे होते हैं उस समय श्वास नली बंद हो जाती है, तो श्वास नली और भोजन की जो नली है कहाँ मिलती हैं, वो ग्रसनी में मिलती है, ठीक है, वो ग्रसनी में मिलती हैं। अभी इसके अंत में हम एक फिगर के माध्यम से आपको सब कुछ दिखा देंगे कैसे कैसे होता है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करती, यकृत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करती। यकृत क्या करती है, विटामिन ए का को अपने पास स्टोर करके रखती है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है, जरूरत पड़ती है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है। यकृत में हमने देखा बाइल का सिक्रेशन करती है, और बाइल क्या होता है, जाके बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये सब चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी, यकृत के बारे में पढ़ी, और यकृत में सिरोसिस विरोग हो जाता है कापर की अधिकता के कारण, ठीक है। अब ये पूछ रहा है यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है, ठीक है, ये बता रहा है कि ये यकृत जो है किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता, चलो ठीक है। लेकिन किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, ये विटामिन ए का संश्लेषण यकृत करता है, ठीक है, यकृत किसका करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है। और विटामिन डी का संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो यदि हम सुबह की धूप में बैठते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पर पड़ती है। हमारे शरीर जो हमारी जो स्किन है इसमें 7-डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है,
जब इस पे यूवी रेज पड़ती है तो क्या करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्किन पर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। विटामिन के का फॉर्मेशन क्या होता है, विटामिन के का फॉर्मेशन हमारी इंटेस्टाइन के में होता है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन के का फॉर्मेशन होता है। विटामिन बी ट्वेल्व का होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो कोलन भाग है वहाँ की जो बैक्टीरिया होती हैं वो विटामिन बी ट्वेल्व का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँ कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी ट्वेल्व का कुछ मात्रा में हमारे शरीर में फॉर्मेशन होता है। विटामिन बी ट्वेल्व का फॉर्मेशन कोलन में होता है बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन के का फॉर्मेशन भी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी स्किन में अल्ट्रावायलेट रे जब पड़ती हैं तो 7-डाई हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मली आप कोलेस्ट्रॉल याद करेंगे उस पर जो पड़ती है तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, विटामिन ए जो होता है हमारी यकृत में बनता है, ठीक है, ये सब हो गया। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, ठीक है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है प्रायः किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, मनुष्य का जो खून होता है किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध होता है उसे कहते हैं डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस ये हमारे किडनी के द्वारा होता है, लेकिन जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें बाहर से डायलिसिस मशीन पर जाके अपने खून को शुद्ध कराना पड़ता है, ठीक है, पहले हफ्ते में एक बार, फिर पता चलता है पर डे कराना पड़ जाता है, ठीक है, दो दो दिन पे होने लगता है। तो डायलिसिस क्या करता है, खून को शुद्ध करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिपिड्स जिसे वसा कहते हैं का पाचन निम्नलिखित में से किस किसकी उपस्थिति में होता है, मतलब लिपिड का पाचन के लिए क्या क्या जरूरी है। अच्छा, इसमें दिया पहला कि पित्त अम्ल, ठीक है, पित्त अम्ल मतलब वही बाइल जिसका सिक्रेशन कौन कर रहा था, यकृत, ठीक है, बाइल का सिक्रेशन कौन करता है, यकृत करता है, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, पित्ताशय में स्टोर होता है। तो कह रहा है कि लिपिड का पाचन निम्न किस किस के द्वारा होता है, इसमें पित्त भी काम करता है, इसका काम क्या होता है, पित्त का काम क्या क्या है, ये पाचन करता है, नहीं, ये करता क्या है कि जो वसा के जो ग्लोब्यूल आते हैं छोटे छोटे, जो वसा के जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल होते हैं इनको और तोड़ देता है, ठीक है, इनको और तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन की क्रिया करता है, इनको छोटे छोटे और टुकड़ों में तोड़ देता है। जब ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तो इस पर क्या होगा, लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, इस पर एक्ट करेगा और इनको ग्लिसराल में बदल देगा, ठीक है। तो लिपिड के पाचन के लिए पित्त अम्ल और लाइपेज दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही, ये नहीं, केवल एक और तीन सही, ये भी गलत, केवल एक और दो सही, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वसा के पाचन में पित्त अम्ल और लाइपेज दोनों की आवश्यकता होती है। पित्त अम्ल उसका इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, लाइपेज उसका पाचन कर देता है। और पेप्सिन और रेनिन क्या होती है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन कैसीन को पाचन में मदद करता है, ठीक है, रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन, कैसीन के पाचन में रेनिन मदद करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के, नॉर्मल प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ये दोनों हमारे पेट में आमाशय में सिक्रेट होते हैं, ठीक है, हमारे ये हमारे आमाशय में सिक्रेट होते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वृक्ष से प्रति मिनट कितना प्रवाह औसत प्रवाह होता है, तो ये होता है 1200 cc, ठीक है, 1200 cc, ठीक है, क्यूबिक पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक पर सेंटीमीटर से, ठीक है, तो 1200 cc रक्त पर मिनट सिक्रेट होता है, मतलब पास होता है। गाय का दूध कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, गाय का दूध पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन एक प्रोटीन है, लेकिन किस प्रोटीन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, ठीक है, किसके कारण सफ़ेद होता है, यह सफ़ेद होता है आपके कैसीन के कारण, ठीक है, कैसीन प्रोटीन के कारण इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद, ठीक है, इसका रंग सफ़ेद होता है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति के कारण दूध का स्वाद मीठा होता है, लैक्टोज शर्करा की वजह से क्या होता है, दूध का स्वाद मीठा होगा, एक प्रश्न हमारा ये हो गया, लेकिन किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है, तो वह बैक्टीरिया हमारा है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण हमारा दूध खराब हो जाता है, लेकिन दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज। अच्छा, सबसे मीठी शर्करा कौन है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, सबसे मीठी शर्करा
कौन सी है, आप उसको कमेंट में आप आंसर उसका दीजिएगा, ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, ठीक है, लेकिन गाय के दूध में कितनी होती है? 3.5 से 4%। इसीलिए कहा जाता है गाय का दूध पतला होता है, पतला क्या होता है, उसमें फैट कम होता है, ठीक है, पतला इसलिए होता है उसमें फैट कम होता है। गाय के दूध में 3.5 से 4% के आसपास फैट पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में 7.2% पाया जाता है, इसलिए भैंस वाले दूध में घी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक पाचन नली का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, इसमें दे पहला क्या है, माउथ, ठीक है, माउथ जैसे जो हमारे दोनों होंठ है और दांत के बीच, होंठ और दांत के बीच क्या है, माउथ है, और दांत के अंदर जाते हैं तो ओरल कैविटी हो जाता है, उससे अंदर जाते हैं तो फायरिंग्स है, ठीक है, और फिर उससे भी अंदर जाते हैं तो ओएसोफेगस, ठीक है, फायरिंग्स वही जगह है जहाँ पे सांस नली और खाना वाली नली जो मिलते हैं, ठीक है, उससे नीचे आते हैं जो तुम्हारे सीने के एकदम बीचों बीच से जो नली गई है वो हमारा हो गया ओएसोफेगस। बाएं साइड में क्या होता है, हमारा स्टमक हो जाता है, दाएं साइड में हमारा क्या हो जाएगा, लीवर, उसको छोड़ दो, स्टमक से आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही। ठीक, अगला प्रश्न हम देखें, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? डियोडेनम, जेजेनम, इलियम, सीकम। स्टमक से जो लगा हुआ भाग होता है वो होता हमारा डियोडेनम, ठीक है, ये तो हमारे आंत का भाग है, छोटी आंत का। जियोजेनम, डियोडेनम के बाद की जो बात आती है जियोजेनम की बात आती है, ठीक है, जियोजेनम आता है, फिर इलियम आता है सबसे अंत में, छोटी आंत के तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला क्या था, डियोडेनम, जियोजेनम, इलियम। मैंने इसको याद रखा है कैसे, DJI, जैसे शादी विवाह में पूछा जाता है ब्रास बैंड आई कि DJI, तो आदमी कहता नहीं DJI, ठीक है, DJI, डियोडेनम, जियोजेनम, इलियम, ठीक है, ये इसका क्रम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, तीन पार्ट, कैसे याद रखेंगे, DJI, डियोडेनम, जियोजेनम, इलियम, ठीक है, इलियम तीन पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सीकम है ये इसका पार्ट नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? इसमें से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? तो सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम क्या है, बड़ी आंत का भाग है, लेकिन पैंक्रियाज बड़ी आंत का भाग नहीं है, ठीक है, पैंक्रियाज क्या है, बड़ी आंत का ये भाग नहीं है। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो आप लोग दीपावली में कौन सा पड़ाका लगाते हैं, जाते हैं सीको, ठीक है, सी सीकम आएगा, रेक्टम सबको पता रहता लास्ट में है, सीकम सी ई, ठीक है, सी ए को छोड़ दो, ई सी को, सी को पड़ाका लगाते हो ना, तो बड़ी इंटेस्टाइन में कौन सा हो गया, सीकम और कोलन और रेक्टम अंत में होता है, आप इसको पता ही है सबको, ठीक है, तो पैंक्रियाज इसका भाग नहीं है, ठीक है, पैंक्रियाज सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है, पैंक्रियाज सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम लार में पाए जाते हैं? लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन था, हमारा स्लाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम, ठीक है, ये दोनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। पेप्सिन और रेनिन कहाँ पाया जाता है, और लाइपेज, ये सब पाए जाते हैं हमारे पेट में भी पाया जाता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन किसके पाचन में मदद करता है, ये प्रोटीन के, रेनिन दुग्ध प्रोटीन के, लाइपेज वसा के पाचन में। लाइपेज की मात्रा बहुत कम होती है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी मात्रा में हमारे अमाशय में प्रोटीन होता है, मतलब हमारे स्टमक पेट में होता है, ठीक है। और सलाइवरी एमाइलेज जिसे टाइलिन के नाम से जाना जाता है, और लाइसोजाइम ये क्या होता है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसमें पाया जाता है। लाइसोजाइम का काम क्या है, जो खाने के साथ बैक्टीरिया आ गए उनको मार देना, और टाइलिन या एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, हमारे मुख में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन निपट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा सभी पाचक एंजाइम का श्रावण होता है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी ग्रंथि जिसमें सभी पाचक एंजाइम पाए जाएंगे, उसी तो हमारा हो जाता है अग्नाशय। इसमें कौन से होता है, सभी के सब पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें सभी के सब पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हुए, और यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं। यकृत जो होते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है,
तो आप आंसर देंगे कौन सा, यकृत। ठीक है, यकृत कौन होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पूरे शरीर, ग्रंथ ही नहीं सबसे सबसे बड़ा इंटरनल पार्ट भी है। ठीक है, यकृत सबसे बड़ा इंटरनल पार्ट है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सबसे छोटी ग्रंथ क्या होती है, सबसे छोटी होती है पीयूष। ठीक है, पीयूष जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। यकृत बहिःस्रावी ग्रंथि है और यह पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष जो ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो कौन सी हो गई, थायराइड, या थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो थायराइड हो गया सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और पूछा जाए सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हमारा हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक, इसे पैंक्रियाज भी कहते हैं। ठीक है, मिश्रित का मतलब होगा यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लें, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपकी हो जाएगी थायराइड। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, आपका हो जाएगा अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका उत्तर उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, वो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जो कि यह है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इस प्रकार हमारे सभी प्रश्न यहाँ हल हो गए। और एक बार एक चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हमारे जो एक चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि मुख से लेकर एनस तक कौन कौन से पार्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है माउथ। माउथ कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, माउथ हमारा शुरू होता है हमारे होंठ जहाँ खुलते हैं, और दांत के बीच का भाग जो होता है वो होता है हमारा माउथ। दांत के अंदर का भाग होता है हमारा ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी में हम अपने रख के भोजन को चबाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम निगलते हैं तो फेरिंग्स के रास्ते क्या होता है, भोजन हमारे अंदर जाता है। ठीक है, फेरिंग्स में क्या करती है, जो जो वायु मार्ग होता है, जो भोजन का मार्ग होता है, दोनों मिल जाता है। ठीक है, इधर वाला जो मार्ग है वायु वाला चला गया, इधर वाला ओइसोफेगस खाना आ गया इसमें। तो फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ओइसोफेगस, आपने देखा ओइसोफेगस आ गया, यही तो क्रम हम लोग वहाँ देख रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस के बाद किसकी बारी आती है, ओइसोफेगस आके स्टमक में खुलता है। ठीक है, यहाँ तक आया ओइसोफेगस और यहाँ से हमारा हो गया स्टमक, फिर स्टमक में खुला। स्टमक हमारे बाएं साइड में है। ठीक है, बाएं साइड में, दाएं साइड में क्या हमारा लीवर है। ठीक है, लीवर है, लीवर के ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे गाल ब्लैडर चिपका हुआ। ठीक है, लीवर के ठीक ऊपर क्या है, गाल ब्लैडर चिपका हुआ। ठीक, और अगर देखें तो स्टमक से आगे जैसे जाते हैं, हमने आपने बोला था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, जैसे स्टमक से आगे बढ़ते स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है डियोडेनम, कहा था ना DJI, तो सबसे पहले हमारा क्या शुरू हो जाएगा, डियोडेनम। ठीक है, स्टमक से जुड़ा हुआ वाला भाग ये जो घूम के है, ये कौन सा हो गया, डियोडेनम। फिर उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो भाग है ये क्या है हमारा, जियोजेनम। उसके बाद यहाँ से क्या है हमारा, ये हमारा इलियम है। इलियम क्या करता है, आगे बढ़ के लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किससे जुड़ता है, सीकम से। ठीक है, इलियम सीकम से जुड़ता है। उसके बाद क्या होता है, फिर कोलन, ये वाला यहाँ वाला भाग सीकम होता है, उसके बाद ये कोलन। ठीक, ये पूरा पूरा कौन सा हो गया, कोलन हो गया, फिर यहाँ हमारा हो गया रेक्टम, और फिर ये हो गया एनस। ठीक है, ये पूरी बात हो गई हमारे इंटेस्टाइन की, मुख से लेकर एनस तक की। ठीक है, ये क्रम हमने वहाँ देखा था, पढ़ा था, यहाँ हमने चित्र के माध्यम से पूरा देख लिया। अपेंडिक्स क्या होता है, जो सीकम वाला पार्ट होता है उसी के बगल में छोटा सा अपेंडिक्स होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बर्मीफार अपेंडिक्स, जिसमें अगर चावल वावल चला जाता है तो बाद में क्या होता है, इसके काट के इन्फेक्शन हो जाए तो काट के निकालना पड़ता है। और ये क्या हो गया, जो ये जो पीला एक थोड़ा सा पत्ती जैसी संरचना बना रहा है, ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, जो सभी पाचक एंजाइम को सिक्रेशन करता है। ठीक है, जो सभी पाचक एंजाइम का सिक्रेशन करता है, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, और लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है हमारा, ये लीवर है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, और पैंक्रियाज क्या है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ऊपर क्या पाया, थायराइड ग्रंथि पाई गई थी। ठीक है, ये हो गया।
यदि आप और डिटेल देखना चाहें तो एक चित्र के माध्यम से दूसरे दिखाते हैं। ठीक, ये तो बिलाई की संरचना हो गई। ये देखिए, स्टमक से मारा क्या आया? स्टमक से मारा आया, इधर स्टमक था, उसके बाद हमारा यहाँ शुरू हुआ डियोडेनम। ये संरचना क्या डियोडेनम की, और फिर ये क्या हमारा पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, और इधर लीवर था, लीवर के ऊपर जो चपका हुआ था क्या, ये गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर में पित्त स्टोर हो जाता है। इधर से लीवर वाली डक्ट आई है, और यहाँ से गाल ब्लैडर में जाके बाइल स्टोर होता है। जब जरूरत पड़ती है तो बाइल यहाँ से आके हमारे डियोडेनम में मिल जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये डियोडेनम जियोजेनम से जुड़ जुड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। और कोई चित्र आप देखना चाहें तो, और कोई ऐसा फिगर है नहीं जो दिखाऊं मैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब पांचवें टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, टेस्ट देने के बाद। तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।